दोस्तों आज की वीडियो में आपको सर्किट बोर्ड पे लगे सभी कंपोनेंट की पहचान करना मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सर्किट बोर्ड में कंपोनेंट के बगल में जो कोडिंग होती है उससे हम कंपोनेंट की पहचान कितनी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड यहाँ पर होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो में लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी सर्किट बोर्ड के दो पार्ट होते हैं। अगर वो एसी से चलता है तो उसके दो पार्ट जरूर होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और एसएमपीएस यानी कि पावर सप्लाई के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट है प्राइमरी का, जहाँ से एसी हमारी इनपुट होती है और डीसी में पूरी तरीके से कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसफार्मर में जाके जितना उस पीसीबी में या फिर उस सर्किट बोर्ड को आउटपुट देना है वहाँ से ट्रांसफार्मर उसका निर्धारण करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर वैसे वहाँ से उतने इसके सप्लाइयाँ वगैरह बटी रहती हैं और ये डायोड वगैरह से पूरा प्योर करके आउटपुट देते हैं। ट्रांसफार्मर से पहले का जो भाग रहता है वो आपका प्राइमरी भाग होता है। इसे आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो कॉपी में मेरी बताई हुई बातें नोट कर सकते हैं। आगे मैं जो कंपोनेंट के बारे में बताऊँगा या फिर उसकी मैं आपको कोडिंग बताऊँगा वो आप एक पन्ने पर या फिर एक कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उन कंपोनेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको टेस्टिंग करना और उनके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्शन में जाएंगे। बात वही है, कंपोनेंट सारे वैसे के वैसे आपको मिलेंगे, बस यहाँ पर उसकी वैल्यू जो रहती है सेकेंडरी सेक्शन में वो थोड़ा सा कम रहती है प्राइमरी सेक्शन में, क्योंकि हाई वोल्ट यहाँ से इनपुट होता है तो वहाँ से उसको डिवाइड करके ट्रांसफार्मर आगे बढ़ाता है, फिर उसकी वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी। बात यही है, सारे के सारे कंपोनेंट बिल्कुल एक जैसे ही मिलेंगे आपको और नाम भी उनका सेम एक जैसे ही होगा। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर यहाँ से एसी सेक्शन से। देखिए यहाँ से हमारा लाइन इनपुट होती है, लाइव एंड न्यूट्रल वायर यहाँ से इनपुट होता है। देखिए यहाँ से इनपुट हो गया, फिर यहाँ से हमारी पावर सप्लाई ये फ्यूज के थ्रू जाती है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, VDR, MOV या फिर ZOV इसको बोलते हैं, ये लगा रहता है। ये कैपेसिटर का एक भाग होता है लेकिन यह प्रोटेक्शन के तौर पर लगा होता है। ये अगर लाइट हमारी इनपुट ज़्यादा होती है तो ये फट जाता है। ये आतक कैपेसिटर की श्रेणी में है लेकिन इसको हम MOV या फिर वेरिएस्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर ये कैपेसिटर है, आप लोगों को पहचान अभी मैं बाद में बताऊंगा कैपेसिटर के कितने टाइप होते हैं या कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है, ये किस किस शेप में हमें देखने को मिलता है, ये सब मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं कोडिंग बता देता हूँ कि पीसीबी में कौन सी कोडिंग कहाँ पर रहेगी और उस कोडिंग से हम किसी भी कंपोनेंट की आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर PW लिखा, एक मिनट ऐसे कर तो आपको और इजी मतलब बहुत ही आसानी से दिखाई देगा। देखिए PW यहाँ से पावर हमारी इनपुट होती है। इस कंपोनेंट के बगल में लिखा है V, तो इसका मतलब आप V का मतलब देखिए नोट कर लीजिए, अगर एक कॉपी वगैरह आप रखते हैं तो नोट कर लीजिएगा। V का मतलब है VDR और यहाँ पर जरूरी नहीं कि V लिखा हो, यहाँ पर ZOV, MOV, VRV लिखा हो सकता है, ठीक है। इससे आप जान लीजिए V मतलब वेरिस्टर, तो यहाँ पर V लिखा रहेगा। और ये क्या चीज़ है, बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में आपको सभी को नॉलेज होगा, रेजिस्टेंस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर बता देता हूँ, ये है रेजिस्टेंस हमारा। और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ, इसको मिटा के आपको दिखाऊँ, देखिए इसको मिटा देता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है FR का मतलब फ्यूज रेजिस्टेंस, देखिए इसी के जस्ट यहाँ पर लगी है तो ये है फ्यूज रेजिस्टेंस। इसके पीछे भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके जस्ट पीछे ये देखिए 2.2 ओम, मतलब 2.5 ओम्स का यह और 2 वाट का, 2.2 ओम्स एंड 2 वाट का यह रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस यही नहीं कि यही रेजिस्टेंस हैं जो दिख रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस का ही एक टाइप है। ये वाटेज में आते हैं रेजिस्टेंस, हाफ वाट, क्वार्टर वाट एंड 1 वाट, 2 वाट, ऐसे 5 वाट, 10 वाट ऐसे भी आते हैं, वो सब मैं आपको सीरीज वाइज लेके चलूँगा। फिलहाल हमने इस कोडिंग को पहले समझना है। यहाँ पर FR लिखा है तो फ्यूज रेजिस्टेंस, ठीक है आप नोट कर लीजिए। एक डायोड का भी एक टाइप होता है FR डायोड, वो मत समझिएगा क्योंकि वहाँ पर लिखा ही नहीं रहता, जहाँ पे भी डायोड होगा वहाँ पे D लिखा रहेगा, जैसे ये डायोड है ना इधर पे D लिखा रहेगा, वो ऐसी पहचान आप कर सकते हैं। तो FR को आप फ्यूज रेजिस्टेंस करके लिख सकते हैं, और वैसे FR नहीं भी लिखा है तो R समझ लीजिए, इसको R बोले तो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस, तो इसके कितने टाइप होते हैं ये सब आपको सीरियल वाइज लेके चलूँगा। बात करते हैं इस कंपोनेंट की, ये क्या चीज़ है, इन तीनों के बारे में बता दिया आपको। ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है,
ये VDR या फिर वेरिस्टर बोलते सकते हैं इसको, V लिखा तो वेरिस्टर बोल सकते हैं, और ZOB मतलब जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, कई टाइप इसके भी आते हैं, सब मैं सीरियल वाइज लेके चलूँगा, ठीक है। अब ये है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बगल में R करके कोडिंग उसकी लिखी रहेगी, तो आपके पन्ने में नोट कर सकते हैं R बराबर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो इसके जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, सी बोले तो कैपेसिटर, ठीक है, आप लिख सकते हैं सी बराबर कैपेसिटर। अब ये क्या चीज़ है, तो ये हमारी यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, एल बोले तो कॉइल, मुझे पता है क्या चीज़ है लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए, कोडिंग के लिए यहाँ पर बता देता हूँ, एल बराबर आप कॉइल लिख सकते हैं, तो कहीं भी कॉइल लिखे लगी रहेगी, तो कॉइल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ये नहीं कि कॉइल ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। आगे अभी और दिखाऊंगा आपको, इस PCB में बहुत सारी कॉइल लगी रही, आपको दिखाऊंगा मैं, हर किसी कंपोनेंट से मिलते जुलते बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो ये नहीं कि सेम वो भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पर कोडिंग पढ़नी होती है, और हर किसी कंपोनेंट के भी अलग अलग शेप में कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर कोडिंग की बात चलती है, सी बोले तो कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर आपका, लेकिन इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं रहता, ये किसी भी आप इसको उल्टा भी लगाओ सुलटा भी लगाओ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी उल्टा सुलटा आप कैसे भी लगा सकते हैं वेरिस्टर को, और ये पैरेलल पे लगता है, ये सब मैं आपको बाद में बताते रहूँगा, फिलहाल मैं कंपोनेंट की पहचान करना आपको बता देता हूँ। इसके बाद चलेंगे यहाँ पर, ये चार क्या है, ये चार यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है डायोड, तो आप एक पन्ने पर लिख लीजिए डी बराबर डायोड, और यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं, ये है सी बोले तो कैपेसिटर। अब यहाँ पर 104 103 105 100 ये क्या लिखा हुआ है, इसके नंबर लिखे हुए हैं, ये कैपेसिटर का ये वाला नंबर नहीं, ये नंबर अलग चीज़ है, यहाँ पर कंपोनेंट की संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 104 नंबर में कैपेसिटर ये वाला लगेगा डी में, मतलब उस नंबर से इस नंबर का कोई ताल्लुकात नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये वाला नंबर आप, ये कैपेसिटर का परमानेंट नंबर रहेगा ये वाला, ये तो यहाँ पर ये नहीं कि C104 लिखा है तो आपने कैपेसिटर C104 नंबर का ढूंढा, वो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पर इससे आप इसको छोड़ दीजिए, सी बोले तो कैपेसिटर में कभी भी इन नंबरों को देखा जाता है, डायोड में इन नंबरों को देखा जाता है जिसके ऊपर मेंशन है, ठीक है, ये है कैपेसिटर। और एक चीज़ और है, ये क्या चीज़ है तार, आपको बता दूँ, ये आपका जम्पर होगा, तो जम्पर को W करके यहाँ पर दर्शाया होता है किसी भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में या PCB में, ठीक है। ये डायोड है डी, कैपेसिटर सी, जंपर डब्लू, कॉइल एल, ये कैपेसिटर सी, तो कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये भी कैपेसिटर है, ये हरा वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला, तो यहाँ पर देखिए इस PCB में यहाँ पर सी करके लिखा हुआ है, तो ये भी कैपेसिटर का ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक कैपेसिटर है लाल वाला, अभी आपको दिखाऊंगा कितने सारे यहाँ पर कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिलेंगे, देखते रहिएगा। तो ये लाल वाला ये भी कैपेसिटर है, देखिए C105 करके लिखा हुआ ना, ये भी कैपेसिटर है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R लिखा हुआ है इसके जस्ट बगल में, ये है रेजिस्टेंस, ये आपको बता दिया था, ये डायोड है, और ये भी कैपेसिटर है, ठीक है, ये भी कैपेसिटर ही है सी, देखिए अंदर लिखा हुआ ना सी, तो ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है BC, तो ये भी कैपेसिटर का ये टाइप है, तो यहाँ पर ये भी कैपेसिटर है, इसको लिख लीजिए आप, और ये भी कैपेसिटर है, और यहाँ पर ये है ZD बोले तो जेनर डायोड, जहाँ पे जेनर डायोड रहेगी वहाँ पर ZD लिखा आएगा, कहीं कहीं पर जेनर डायोड की जगह पे D भी लिखा रह सकता है, तो वहाँ पर ZD बोले तो जेनर डायोड वहाँ पर आप देख लीजिए। और ये क्या चीज़ है, ये है कैपेसिटर, ये तो पता ही है आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है कैपेसिटर सी, ये है डायोड, और ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पे R लिखा रहेगा, और ये है आपका ऑप्टो कपलर, इसके बगल में आपको IC लिखा हुआ मिल सकता है, तो ऑप्टो कपलर के बगल में IC लिखा रहता है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ये है जेनर डायोड, यहाँ पे ZD लिखा रहेगा, ये रेजिस्टेंस के बगल में R, ये रेजिस्टेंस के बगल में R, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जंपर दे रखा है, वैसे यहाँ पर कम ओम्स की रेजिस्टेंस ये लगा सकते थे, कोई बात नहीं, जंपर दे रखा है तो R लिखा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी, अब यहाँ पर उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जंपर लगाया तो यहाँ पर W लिखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी या जंपर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस कम ओम्स की होगी इतना हो सकता है। ये रेजिस्टेंस है R लिखा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है आपका 3 लैग वाला है, ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर को सर्किट बोर्ड पे क्यू से दर्शाया होता है, मतलब क्यू लिखा हुआ रहता है उसकी जगह पे, देखिए यहाँ पर IC लिखी है, लेकिन यहाँ पर इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे क्यू लिखा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर ने लगाया, आप लिख लीजिए एक पन्ने पे, ट्रांजिस्टर को क्यू नाम से दर्शाया जाता है सर्किट बोर्ड पे। ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटर है सी, इसके बगल में लगा, ये कैपेसिटर, बाकी ये सारे के सारे आपको मैंने बता दिए थे, ये जैसे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगाया तो इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, क्यू,
तो ट्रांजिस्टर को क्यू करके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में दर्शाया जाता है। आप कहेंगे आप ये हरा वाला क्या है, ये हरा वाला क्या है, ये हरे वाले के बगल में क्या लिखा हुआ है, एल, ठीक है, एल लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एल करके मैंने कोडिंग अभी आपको बताई थी क्या है, वो है आपकी कॉइल, कॉइल या फिर इंडक्टर कॉइल, ठीक है, कॉइल और इंडक्टर कॉइल एक ही चीज़ है, तो ये भी कॉइल है, इसको भी एल करके दर्शाया है, ये भी कॉइल है। कॉइल के बहुत सारे टाइप होते हैं, हर कंपोनेंट के अलग अलग टाइप आपको देखने के मिलेंगे, ये सब आगे आपको वीडियो में बताता चलूंगा, ठीक है। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, बाकी बिल्कुल वैसे ही कंपोनेंट अंदर है जैसे अभी आपको बताया था, और कोई डिफरेंट टाइप का कंपोनेंट हमें देखने के लिए मिले तो हाँ, देखिए ये क्या है, ये है आपका कैपेसिटर, पहले आपको मैं कोडिंग दिखा दूँ, ये है कैपेसिटर। देखिए इस टाइप का आपको वेरिएस्टर देखने के लिए भी मिल सकता है, इसलिए कहता हूँ कि दो कंपोनेंट बिल्कुल सेम होते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भी हमारा वही कंपोनेंट होगा। देखिए उसमें कोडिंग लिखी रहती है, हर कंपोनेंट की अपनी एक कोडिंग होती है, तो ये वेरिएस्टर में वहाँ पर वी करके लिखा रहता है, और वहाँ पर क्या कि उसकी कोडिंग क्या रहती है, वेरिएस्टर की कोडिंग अलग रहती है, कैपेसिटर की कोडिंग अलग रहती है, लेकिन वेरिएस्टर और कैपेसिटर बिल्कुल पैरेलल पर लगते हैं, और वेरिएस्टर प्रोटेक्शन के तौर पे लगता है और कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए या फिर और किसी काम के लिए लगा हो सकता है, ठीक है। बाकी ये है डायोड, आपको बता दिया था मैंने उधर, डायोड है ये और ये कैपेसिटर है, और कोई डिफरेंट टाइप का, हाँ ये भी डिफरेंट टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, क्यू, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर थोड़ा अलग शेप में दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर जस्ट बगल में देख लीजिए क्या चीज़ है। अब यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट आपको दिखाता हूँ जो, हाँ एक और है, ये है आईसी, आईसी के जस्ट बगल में आईसी लिखा रहेगा, ये ट्रांसफार्मर है, तो इसके बगल में टीआरएफ भी लिखा हो सकता है और टी भी लिखा हो सकता है। जितना भी मैं कोडिंग बता रहा हूँ अभी एक पन्ने पर नोट कर लीजिए, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है या फिर कोई डाउट अगर आपको होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली आपको बताइए ट्रांसफार्मर के बगल टी आपको लिखा हो सकता है, और यहाँ पर एक कंपोनेंट बताता हूँ तो उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली सभी कंपोनेंट आपको बता दी, ये क्या चीज़ है, ये बड़ा वाला ये क्या चीज़ है, तो इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या चीज़ लिखा हुआ है इसमें, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये डी, तो ये है डायोड। तो इतना हमने देख लिया, बाकी इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, ये आपने कमेंट करके उत्तर देना है। देखिए ये मैंने कोडिंग भी दिखा दी, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसकी शॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट में आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको असेंबली जो कंपोनेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे आपको कार्ड में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ये कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे, ये पीले नीले, पीले सॉरी नीला नहीं है, पीला है, काला है, और थोड़ा सा आपका आपका अलग टाइप का आपको देखने के लिए, किसी के ऊपर नंबर भी लिखे रहते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो, अगर नया सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर वीडियो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बड़ी पीसीबी में आपको बता दिया, और बाकी इसका नाम क्या है ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड लक।